तो हेलो गाइस, इस तरह से आप भी दिवाली लाइट बना सकते हैं। और दिवाली सामने आ रहा है, तो चलिए फटाफट से ये जो लाइट कैसे बनाते हैं आप लोग को बताते हैं। तो इसके लिए चाहिए हमें LEDs। आप देख पा रहे हैं, जितना लंबा आप लाइट्स बना सकते हो उसी हिसाब से LED ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए एक वायर, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, जितना लंबा बनाओगे उसी हिसाब से वायर भी चाहिए। उसके बाद चाहिए ये जो कि है कैप, है ना, वाटर पानी का बोतल का जो है ये ढक्कन है, तो इसी से हम बनाएंगे इसका लाइट। तो अब देख पा रहे हैं वही चीज़ है, कुछ नहीं है। और चलिए मैं इसे दिखाता हूँ, अब देख पा रहे हैं बस वही चीज़ है, क्योंकि इसका इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं ना ताकि इसका जो लाइट जो है इसके अंदर पूरा तरह से फैलता है। अब स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले इस वायर को मैं निकाल लेना है, और गाइस आपको वायर चेक कर लेना है कहीं से फोल्ड ना हो, ठीक है, क्योंकि करंट लगने वाला है नहीं, क्योंकि ये DC पावर से चलने वाली है, ठीक है, इसीलिए चेक करना है ताकि बीच में कोई वायर कट ना हो, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने कुछ यहाँ पे गांठ लगा लेना ताकि बराबर मेरा वायर रहे, ठीक है, एक जैसा, और ताकि हमें LED कनेक्ट करने में आसानी होगा। तो चलिए अब मैं LEDs को यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, ठीक है, तो हम उसी हिसाब से कनेक्ट करेंगे, बराबर हमें होना चाहिए। जो ब्लैक वायर है उसको माइनस में कनेक्ट करेंगे, और प्लस वायर है उसको वाइट में, ठीक है। तो मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ, उसी हिसाब से सब LEDs को कनेक्ट करना है। तो अब देख पा रहे, फिर यहाँ थोड़ा दूर दूरी में हमको कनेक्ट करना है। इसको करने के बाद कनेक्ट, तो हम इसे कनेक्ट कर दिए हैं, चलो ये हो गया कनेक्ट। तो इसी से आप इसे सोल्डिंग भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि और अच्छा मजबूती रहेगा। तो ठीक है, फिर इसी इतनी दूरी दूरी पे, थोड़ा दूरी दूरी पे हमको कनेक्ट करना है। तो यहाँ सब देख पा रहे हैं, इस तरह से कुछ हटा लेना है इसका कवर वायर का, और माइनस पे ब्लैक कनेक्ट करेंगे और प्लस में वाइट, ठीक है। अब टू कलर में वायर इसीलिए है ताकि हमको समझ में आने में आसानी होगा। एक कलर का इस्तेमाल कर सकते हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया है कनेक्ट सारे LEDs। अब मैं इसे पावर दूंगा, वो भी ओनली 0.5 वोल्ट, जो कि चार्जर का है, तो उसको हम देंगे पावर इसमें, ठीक है। तो गाइस हम पावर दे दिए हैं, इसमें कनेक्ट कर दिए हैं, अब देंगे पावर। तो गाइस अब देख पा रहे हैं, हम मैंने इसे पावर दिया, कितना मस्त अमेजिंग जो है ये ग्लो कर रहा है ना, ऐसा कितना हिसाब। तो गाइस इस तरह से आप और भी लंबा वायर इस लाइट बना सकते हो, वायर के और लाइट जोड़ करके, ठीक है। अब देख पा रहे हैं कितना मस्त लग रहा है। तो लाइट मास्टर से बिजली का लाइट ऑफ किया जाए, तो ये देखिए लाइट ऑफ हो गया है। कैसा लग रहा है गाइस बताना कमेंट करके, ठीक है। तो अब देख पा रहे हैं लाइट में कैसा लगा। तो लाइट मास्टर ऑन किया जाए, तो लाइट ऑन हो गया है। और देख पा रहे, अब मैं इसे करूँगा कनेक्ट कैप को। तो इससे मैं पावर काट लेता हूँ, और मैं इस ढक्कन को कैप को कैसे मैं उस लाइट पे अटैच करने वाला हूँ, भाई बने रहिए वीडियो पे, पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपसे नहीं होगा कनेक्ट, ठीक है। तो जैसे कि आप पहला वाला ये है, तो पहले वाले के लिए हमें चाहिए दो ले लेना है, दो कैप चाहिए, एक लाइट के लिए दो कैप चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इसे अब आगे वाले हिस्से को काट लेना है सारे कैप का, ये वाला जो निकला हुआ है, तो इसे मैंने कट कर दूंगा। तो ये कट चुका है, अब क्या करेंगे, इसका ढक्कन जो है एक दूसरे से मिला देंगे, ठीक है। तो इस LED को अंडर डाल के इसे मिला देंगे, थोड़ा सा लगेगा क्योंकि इसको आपस में जॉइंट होने में टाइम लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब गाइस देख पा रहे कुछ इस तरह से इसे कनेक्ट करना सारे को। और हाँ, इस और ये तो फर्स्ट वाला LED था, लास्ट वाला और लास्ट का सेकंड वाला LED में कैसा कनेक्ट करना है ये जान लो, ठीक है। इसको कनेक्ट करने के लिए अब देख पा रहे, ये जो अब कैप का साइड में देखिएगा थोड़ा सा मार्क होगा, वहाँ से मैंने इसे कट कर लेना थोड़ा सा, एक कैप में और दूसरे कैप में भी उसी तरह थोड़ा कट कर लेना है। क्यों? क्योंकि जो हमारा LEDs का वायर है वो आसानी से एक दूसरे से निकल सके, ठीक है, कैप से। तो यहाँ से अब देख पा रहे हैं, यहाँ तो इस साइड से निकल गया है, वो इसका जो है इस कैप के ढक्कन के कट से यहाँ से वायर इसके निकलेगा, ठीक है।
इस तरह से एक साइड से दूसरे ढक्कन से, एक तरह से दूसरे ढक्कन से वायर जो है इसे कनेक्ट करके निकला हुआ। तो उसी तरह सेम जैसे ऐसे कनेक्ट किए हैं उसी तरह इसमें भी कनेक्ट करना है सारे इसमें इसी तरह, ठीक है। तो जैसे कि सब देख पा रहे हैं, मैं इसे कनेक्ट कर दिया हूँ सारे को। अब देख पा रहे हैं बर्फ़ का गोला जैसा लग रहा है ना, तो अब देख पा रहे हैं हम इस्तेमाल करेंगे 5 वोल्ट एडाप्टर। अब देख पा रहे हैं बस इसी से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और अब देख पा रहे हैं कितना मस्त जो है LED ग्लो कर रहा है। तो लाइट मास्टर 70 करेंगे, लाइट ऑफ किया जाए, ठीक है। अब देख पा रहे गाइस कितना मस्त जो लग रहा है मेजी, है ना, बहुत ही शानदार लग रहा है, और लाइट भी फैल रहा है कितना। तो लाइट मास्टर लाइट ऑफ किया जाए, सुना नहीं रहा, ऑफ करो। तो गाइस देखिए लाइट ऑफ होने के बाद कितना अमेजिंग लग रहा है, वाओ अमेजिंग। इसका जो है शेडो बन रहा है नीचे, वो आप ऐसे ही कहीं झुला दोगे तो उसका शेडो नहीं बनेगा, है ना। तो और भी अमेजिंग लगेगा इसको, ठीक है। आप देख पा रहे कितना मस्त जो है ये ग्लो कर रहा है, रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू। तो अब गाइस यहाँ पे देख पा रहे हैं इसी तरह मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया सीधे सीधे जो है। अब मैं इसे ऑन करेंगे तो गाइस देख पा रहे कितना मस्त। लेकिन एक चीज़ जो शेडो बन रहा है दीवार पे ना, वॉल पे, वो थोड़ा सा लाइट को ये कर दे रहा है ब्लॉर, है ना। तो ये जो कुछ आपस में इधर कुछ झूला हुआ रहेगा ना, तो LEDs को और भी अमेजिंग लगेगा गाइस। आप देख पा रहे हैं, ठीक है। कुछ वॉल की वजह से वाइट है वॉल, इसीलिए ये जो लाइट है शेडो बन रहा है उस ज़्यादा ही उसमें अटैच हो रहा है, इसीलिए थोड़ा ये ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब देख पा रहे हैं कितना मस्त जो है ग्लो कर रहा है। तो इस तरह से गाइस खुद आप घर पे खुद से बना सकते हो ऐसे लाइट, क्योंकि ऐसे लाइट दिवाली में मिलने वाला नहीं है कहीं, ठीक है। हम देख पा रहे हैं कितना अच्छा से जो ये एक बच्चे भी खेल सकता है, क्योंकि ये DC लाइट वो पावर है इसमें, ठीक है। इसमें करंट लगने का कोई चांस नहीं है। तो गाइस कितना मस्त है, अब देख पा रहे कितना अच्छा जो लग रहा है। इसमें मात्र 3 वोल्ट से 5 वोल्ट इसमें दे सकते हैं गाइस। तो थैंक यू गाइस, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, क्योंकि और इसी तरह वीडियो लाते रहो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।